देख सकते हैं कि करनाल में आज पहुंचे हैं जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी जी महाराज, और यहां पर निर्मल कुटिया पर उनका स्वागत किया जा रहा है, जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्त हैं, वो एक झलक पाना चाहते हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को वैदिक ज्ञान, गणित का ज्ञान बहुत ज़्यादा है, चाहे विश्व बैंक की बात की जाए, चाहे इसरो की बात की जाए, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए, वहाँ पर भी उन्हें लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं एक झलक पाना चाहते हैं स्वामी शंकराचार्य सरस्वती जी महाराज की। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। करनाल पहुंचने पर उनकी ये पहली झलक है, और कल शाम को 5 बजे जो सनातन धर्म मंदिर है वहां पर अखंड भारत को लेकर उनके प्रवचन भी रहेंगे। तो आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सनातन धर्म मंदिर में पहुंचे। कल 5 बजे अखंड भारत को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए भारत को, पूरे भारत के भ्रमण पर निकले हैं, सोनीपत से आ जाए हैं। अब करनाल उनका आगमन हुआ है, आगे वो जाएंगे कैथल की तरफ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पहुँचे हैं करनाल के अंदर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से पहले, सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब वो दयानंद कॉलोनी में जाएंगे, वहाँ पर उनका विश्राम स्थान है, और कल वो जाएंगे सनातन धर्म मंदिर के अंदर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तस्वीरें हम लगातार आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि करनाल में आगमन हुआ है जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का, जो वैदिक गणित के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और देश के अंदर भारतवर्ष में 4 मठ हैं, और जो जगन्नाथपुरी मठ है वहां के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज, और वो आज करनाल के अंदर पहुंचे हैं, और कल उनका सनातन धर्म में मंदिर के अंदर अखंड भारत को लेकर एक प्रवचन है, और तमाम जनता, तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। और खेत्रपाल जी के घर आज उनका विश्राम है, और आप देख सकते हैं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं स्वामी जी की पहली झलक, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं शंकराचार्य जी पहुंचे हैं आज करनाल में, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, और पहली झलक आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल में ही आज वो यहाँ पर रुकेंगे, और कल जो प्रवचन हैं वो सनातन धर्म मंदिर में रहेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें करनाल से, जहाँ पर आज पहुँचे हैं जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी जी महाराज, और जगन्नाथपुरी जो मठ है वहाँ के शंकराचार्य हैं। भारतवर्ष में 4 मठ हैं और 4 शंकराचार्य हैं, जिनमें से एक शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज हैं, जो वैदिक गणित के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इसरो से लेकर विश्व बैंक की बात की जाए या बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो वहाँ पर भी प्रवचन के लिए जाते हैं और तमाम लोगों को बातें बताते हैं, ज्ञान देते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अखंड भारत को लेकर जो पूरे भारत भ्रमण पर निकले हैं शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी जी महाराज,
कल उनके करनाल में भी प्रवचन है सनातन धर्म मंदिर के अंदर शाम 5 बजे। तो भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे, वहां पर भक्त पहुंचे, अखंड भारत को लेकर वो अपने विचार रखेंगे, अपने प्रवचन रखेंगे। और 23 तारीख को वो कैथल के लिए रवाना होंगे। आज वो सोनीपत से आए हैं और किस तरीके से भारत को जोड़ा जाए, किस तरीके से अखंड भारत को किया जाए, राष्ट्र का निर्माण किया जाए, एक अच्छे भारत का निर्माण किया जाए, और उसी को लेकर जो है अब वो अपने प्रवचन, अपने विचार रखते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज आप करनाल पहुंचे हैं, पूरे भारत के भ्रमण पर हैं, क्या उद्देश्य है और क्या उस उद्देश्य में आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाते हुए लोगों को समझा पा रहे हैं? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, संहिताप्रद व्यक्ति और वस्तु की संरचना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता, इसमें हम पूर्ण सफल हो रहे हैं। असफलता नाम की कोई चीज़ हमारे जीवन में है ही नहीं। आज का युवा ना रामायण को पढ़ता है, ना महाभारत को पढ़ता है, ना वो देश की एकता के बारे में जानता है, ना वो हिंदी संस्कृत के बारे में जानता है, वो इंग्लिश और वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा है। कैसे हम आज की युवा पीढ़ी को समझा सकते हैं? सनातन शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत हैं, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत का अनुपालन करने पर सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि की समृद्धि, सृष्टि के निग्रह अनुग्रह का विज्ञान प्राप्त होता है। 32 विद्या, 64 कला, इन सब का स्रोत वेदादि शास्त्र ही सिद्ध हैं। ऐसी स्थिति में विद्या और कला में निपुण होने पर व्यक्ति दक्ष होता है। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन हो, इसके लिए वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत का अनुशीलन अनुपालन आवश्यक है। हमारा जो शास्त्र सम्मत सिद्धांत है वह विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी हजारों वर्षों तक दिशा देने में समर्थ। जो युवक हम लोगों को सुनते हैं वो सनातन सिद्धांत के ही पक्षधर हैं, चाहे विश्व में कहीं भी रहते हों। विश्व में 204 देश हैं और प्रायः हर देश में जो युवक हैं वो हम लोगों को सुनते हैं और वे धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर ही चलते हैं। स्वामी जी, पिछले दिनों एक मामला सामने आया, एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी जाती है एक मुस्लिम लड़के की तरफ से, आफ्ताब उसका नाम था, हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये लव जिहाद के मामले कब रुकेंगे, किस तरीके से हमें सचेत रहने की जरूरत है? विवाह की जो सनातन प्रथा है उसके प्रति अनास्था का यह परिणाम, कुल, गोत्र, वर्ण, आश्रम, शील आदि की दृष्टि से जो हमारी प्राचीन प्रथा थी उस प्रथा में इस प्रकार की दुर्घटना संभव ही नहीं। तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। युवाओं के नाम एक संदेश, अगर आप जो लव जिहाद की तरफ भाग रहे हैं, दूसरे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनके नाम एक संदेश है। धर्म परिवर्तन नहीं होता, धर्माच्युति संभव है। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, सूत संहिता में लिखा है, अन्य धर्म धर्माभास हैं। सिद्ध कोटि का धर्म, साध्य कोटि का धर्म, धर्म के दो भेद होते हैं। धारणा धर्म जो धारक हो, उद्धारक, उसका नाम धर्म होता है। पृथ्वी के कार्य को धारण करने वाली पृथ्वी है, पृथ्वी को धारण करने वाला जल है, जल को धारण करने वाला सन्निकट विशेष अग्नि है, अग्नि को धारण करने वाला वायु है, वायु को धारण करने वाला आकाश है, आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त है, अव्यक्त को धारण करने वाला परमात्मा तत्व है। सिद्ध कोटि के धर्म का कोई खंडन नहीं कर सकता। साध्य कोटि का धर्म यज्ञ, दान, तप, व्रत है। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलनी होगी, दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी, व्रत करने के लिए अन्न जल पर संयम रखना होगा, तप करने के लिए विषय जन्य आनंद का संकोच करना होगा, और वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करेंगे तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहेंगे। इसलिए किसी भी दृष्टि से सनातन सिद्धांत को कोई चुनौती देने में समर्थ नहीं। एक सवाल और स्वामी जी,
स्वामी जी आप विश्व बैंक में गए, वहाँ आपने विश्व बैंक वाले हमारे पास आए, हाँ वो आपके पास आए, इसरो वाले आपके पास आए, बड़े बड़े जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ आपके पास आए, भारत को ऐसे क्या बदलाव की जरूरत है जिससे भारत विश्व में पहले नंबर पर आ जाए? आर्थिक दृष्टि से अभी सनातन सिद्धांत को मानने की आवश्यकता है, काम की दृष्टि से विवाह पद्धति सनातन विधा से करने की आवश्यकता है, धर्म और मोक्ष में तो आज भी सर्वोत्कृष्ट भारत है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, आज करनाल में पहुंचे हैं जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य निशानंद स्वामी सरस्वती जी महाराज, और कल 5 बजे सनातन धर्म मंदिर के अंदर उनके प्रवचन होंगे, और तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और आज वो दयानंद कॉलोनी के अंदर खेत्रपाल जी के घर पर विश्राम कर रहे हैं। तमाम उनसे सवाल किए गए और बड़े विस्तार के साथ उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया, और सनातन धर्म को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, अखंड भारत को लेकर वो अपने प्रवचन रखते हैं। राष्ट्र निर्माण करना है और भारत को नंबर वन बनाना है, और उसके लिए वो प्रयासरत हैं और लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर वो अपने प्रवचन देते हुए नज़र आते हैं। हमने अभी आपको तस्वीरें दिखाई जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की, जो सोनीपत से आए हैं, करनाल पहुँच चुके हैं, कल करनाल के सनातन धर्म मंदिर के अंदर शाम 5 बजे अखंड भारत संकल्प गोष्ठी का एक आयोजन किया गया है। अखंड भारत किस तरीके से बनाया जाए उसको लेकर तमाम अलग अलग शहरों में वो जा रहे हैं, लोगों को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। वैदिक गणित के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, 11 किताबों से ज़्यादा वैदिक गणित के ऊपर वो लिख चुके हैं, चाहे विश्व बैंक की बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए, इसरो की बात की जाए, तो वहाँ के लोग आते हैं, वहाँ के वैज्ञानिक आते हैं, और शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी सरस्वती जी महाराज जी को वहाँ पर आकर प्रवचन देने के लिए कहते हैं कि किस तरीके से काम किया जाए, और एक अच्छा मौका है, एक अच्छा समय है जब वो करनाल पहुँचे हैं, तो सभी को वहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत है। आज वो करनाल के अंदर दयानंद कॉलोनी के अंदर रुके हैं, और यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं ने, तमाम भक्तों ने उनका आशीर्वाद ग्रहण किया है, मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है, और तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से भारत को आगे लेकर जाया जाए, किस तरीके से जो वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा है उसको रोककर भारतीय संस्कृति आगे बढ़े, उस पर वो अपनी राय देते हुए नज़र आए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।